अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? आई एम श्योर यू आर फाइन एट होम. क्लास 7, दिस इज योर मैथमेटिक्स लेक्चर एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट हियर चैप्टर 17 स्टैटिस्टिक्स. जी, आपकी बुक में 491 पेज पे आपका ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे आपको जो उन्होंने टॉपिक मेंशन किया है वो है एवरेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा. अच्छा जी, ये चैप्टर एक्चुअली आपका जो है ये हम जो डेली हमारे कॉमन ऑब्जर्वेशन होती है, हम अक्सर देखते हैं कि हमने बहुत सारी चीज़ों की एवरेज लेनी होती है. जो बच्चे जो बॉयज़ हैं वो उनका भी, वैसे तो खैर गर्ल्स का भी इंटरेस्ट होता है आजकल क्रिकेट पे, और क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट होता है तो उसमें मोस्टली आप देखते हैं कि एवरेज स्कोर भी होता है, एवरेज रन रेट भी होता है. फिर जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो एवरेज रेनफॉल होती है, एवरेज उसकी भी फाइंड की जाती है. और इसके लिए ना एक टेबल ड्रॉ होता है और टेबल में आपको वो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज दिख भी होती हैं. और जब हम किसी भी चीज़ को कलेक्ट करते हैं डेटा को उसके, तो उसको हम कहते हैं वो स्टेटिस्टिक्स कहलाती हैं. अच्छा जी, और अगर हम मैथमेटिकली इसको डिफाइन करना चाहें तो उसके लिए हम कहते हैं स्टेटिस्टिक्स आर डिफाइंड एज न्यूमेरिकल डेटा. मतलब कोई भी डेटा, उसको हम नंबर्स की फॉर्म में अगर लिख रहे हैं तो उसको स्टेटिस्टिक्स कहते हैं. एंड इट इज द फील्ड ऑफ मैथ दैट डील्स विद द कलेक्शन टेबुलेशन. कलेक्शन का मतलब होता है जो जो कुछ हमें मिल रहा है वहाँ पे इंफॉर्मेशन, वो फिर टेबुलेशन उसको हम लिखते हैं कि किसी कितनी कितनी मिकदार में या कैसी कैसी कितने देर के बाद कितना इंटरवल है, जो भी है. एंड इंटरप्रिटेशन, फिर हम उसको डिस्क्राइब भी करते हैं लोगों के सामने ऑफ न्यूमेरिकल डाटा. एन एग्जांपल ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज अ रिपोर्ट ऑफ नंबर सेइंग हाउ मेनी फ्लावर्स ऑफ रीच ईच रिलीजन देयर आर इन अ पर्टिकुलर कंट्री. अब मतलब ये कि एक एग्जांपल उन्होंने दी है कि डेटा जो है एक्चुअली क्या होता है स्टेटिस्टिक्स, कि अगर हम एक रिपोर्ट तैयार करते हैं कि किसी एक एरिया में, खास रीजन में, अगर कोई खास रीजन है तो उसमें कितने नंबर ऑफ फ्लावर्स हैं, उसको हम कहेंगे कि वो उसका पर्टिकुलर डेटा है. व्हाट इज स्टेटिस्टिक्स इन योर ओन वर्ड्स? हमारे अपने अल्फाज में हम इसको कैसे बयान करेंगे, वो इस तरह के. नंबर वन, अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डीलिंग विद द कलेक्शन एनालिसिस इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ मैसेज ऑफ न्यूमेरिकल डाटा. नंबर टू, अ कलेक्शन ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा. ठीक है जी, ये दो हमारी अपनी वर्डिंग में अगर हमने इसकी डेफिनेशन देनी हो तो ये हम दो तरह से दे सकते हैं. इनमें से कोई भी एक आप लिख लेंगे. एक्चुअली चैप्टर के एंड में आपको जो सॉल्व करनी होगी अपनी बुकलेट, हो सकता है उसमें वहाँ पे आपको ये ज़रूरत पड़े इसकी डेफिनेशन की, तो आप प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिएगा. ओके, व्हाट इज मोड, मीडियन एंड मीन? अब इसकी थ्री टाइप्स से हम इसको कैलकुलेट करते हैं. एक होता है मीन. मीन कहते हैं एक्चुअली एवरेज को. एवरेज आप पहले डिफाइन करते रहे हैं. एवरेज होती है जो जैसे सम ऑफ द नंबर्स डिवाइडिंग विद सम ऑफ द नंबर्स डिवाइडिंग विद द नंबर ऑफ नंबर्स. ठीक है, आप पहले भी करते रहे हो. द मीन एवरेज ऑफ अ डेटा सेट इज फाउंड बाय एडिंग ऑल द नंबर्स इन द डेटा सेट, एंड डेटा सेट में जितने नंबर्स हैं उन सबको एड अप करते हैं, देन डिवाइडिंग बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज इन द सेट. जितनी वैल्यूज को हमने ऐड किया होता है उसके नंबर से डिवाइड करके उसके हम मीन फाइंड करते हैं. द मीडियन, मीडियन इज द मिडल वैल्यू. व्हेन अ डेटा इज सेट इज ऑर्डर सेट, डेटा सेट इज ऑर्डर्ड फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट. लीस्ट टू ग्रेटेस्ट का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर में जब हम किसी डेटा को अरेंज करते हैं, जो हमारे पास डेटा कलेक्ट हुआ है उसको अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो उसमें जो मिडल वैल्यू बनती है उसको बोलते हैं मीडियन. अभी अभी जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में आपको मीडियन का भी अंदाजा हो जाएगा. देन द मोड, द मोड इज द नंबर ऑफ द अकरेंस, अकर्स
द नंबर दैट अकर्स मोस्ट ऑफन इन आर डेटा सेट. अब द मोड कौन सा है? मोड उस नंबर को कहते हैं जो हमारी जो कलेक्शन है डेटा की उसमें जो सबसे ज्यादा नंबर जिस डेटा का आया है. सपोज अगर आपके पास डिफरेंट नंबर्स आए हैं जिसमें है 31, 33, 33, 34, 35 एंड 36, तो इसमें आप 33 आप देखेंगे कि टू टाइम आया, इसका मतलब है दैट मोड इज 33. तो वो नंबर जो रिपीटेडली वहां पे आया है उसको हम बोलेंगे द मोड ऑफ द डेटा. ओके, मीन इज द एवरेज, मीडियन इज द मिडल वैल्यू एंड मोड इज द मोस्ट ओफन इन द मोस्ट अकर्स ओफन अकर्स मोस्ट ओफन इन द डेटा सेट. ओके, अच्छा जी, अब आज है चैप्टर 17 स्टेटिस्टिक्स एक्सरसाइज 17A. क्वेश्चन हम करेंगे 1, 2, 3, 4, 5. अब ना ये देखिए आपके इत्तफाक ऐसा है कि ये जो 5 क्वेश्चंस हैं जो आज हमारे इसमें आने लगे हैं सी वर्क में, तो इसमें हमारे सारे ही मीन फाइंड करने के क्वेश्चन हैं और मीन आपको क्लियर हो जाएगा आज के 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करके. और आज होमवर्क कोई नहीं है, ठीक है, तो आपने होमवर्क कुछ सबमिट नहीं कराना. इसलिए नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर क्वेश्चन नंबर 1. ओपन योर बुक एक्सरसाइज 17A. ये आप क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से रीड आउट करेंगे और उसके बाद यहाँ इसका आप सोल्यूशन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 में है आपके पास द नंबर ऑफ द पैसेंजर्स ऑन कोचेस ट्रेवलिंग अलोंग 12 पॉपुलर सैनिक रूट्स आर 29, 42, 45, 39, 36, 41, 38, 37, 43, 35, 32 and 40. फाइंड द मीन नंबर ऑफ पैसेंजर्स ऑन द कोचेस. आपने इनका इन सारे नंबर्स का मीन फाइंड करना है. और मीन के लिए जो आपके पास सिंबल है वो होता है दिस. एक्स के ऊपर एक बार आ जाता है, एक्स बार भी कहते हैं इसको. एक्स बार ये हमारा फॉर्मूला है मीन फाइंड करने का. मीन फाइंड करने के लिए दिस इज द समीशन, इसका मतलब होता है सम ऑफ द नंबर्स. एक्स एक्स आर द नंबर्स, ये जितने नंबर्स हैं दीज आर कॉल्ड द एक्स. सम का मतलब समीशन, ये उसका साइन होता है समीशन. और समीशन के लिए आपको इस तरह से ये ई की फॉर्म में लिखना है समीशन एक्स ओवर एन. एन इज द नंबर ऑफ नंबर्स, ये जितने नंबर आपने ऐड किए उसका नंबर आपने उससे डिवाइड कर देना है. दिस इज कॉल्ड द मीन और ये एक्स बार इज द सिंबल ऑफ द मीन. अच्छा जी, अब हम ये देखते हैं कि ये नंबर्स जो हमने ऐड किए हैं ये हैं टोटल 12 नंबर्स. अब इन 12 नंबर्स को हम जब ने ऐड किया तो ऐड करने के बाद 457 आया, उसको इसके नंबर से डिवाइड किया 12 से तो हमारे पास 35.0 आया. 35.0 का मतलब है कि आपके पास मीन नंबर ऑफ पैसेंजर्स आया 38.0 का. ये मतलब है 0.08 है लेकिन हम 38 ही लिखेंगे क्योंकि हमें नंबर ऑफ पैसेंजर्स फाइंड करने हैं, 38 आ जाएगा. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 अगेन हियर. क्वेश्चन नंबर 2 है कंसीडर द प्राइस इन डॉलर्स ऑफ वेरियस कंप्यूटिंग बुक्स एट बुक स्टोर. और ये इनके डिफरेंट प्राइजेस दी हुई हैं और उसके बाद उन्होंने कहा है फाइंड द मीन प्राइस ऑफ द बुक्स. अब सबके मीन फाइंड करने के लिए अगेन हम यहाँ फार्मूला अप्लाई करेंगे. एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन. समीशन एक्स का मतलब है कि जितनी भी इनकी प्राइसेस दी हुई हैं उन सबको हमने ऐड अप किया एडिशन के साइन के साथ और उसके बाद हमने देखा कि ये 10 है टोटल. 10 से हमने इनको डिवाइड किया, हमारे पास आया 35.86 एंड ये डॉलर्स में आप लिखेंगे और ये है मीन प्राइस ऑफ द बुक्स इज 35.86. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 अगेन एक्स बार हमें मीन फाइंड करना है. और फिर हमने ये देखा कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने द मीन ऑफ द 715, 12, 5 एंड एच और उसके बाद एक उन्होंने दो वैल्यूज और दी है, इसमें एक इन्होंने वैल्यू एच दे दी हमें. ठीक है, अब हमारे पास ये सारी वैल्यूज हैं
और प्लस 8, तो ये जब हमने सारी वैल्यूज को ऐड किया तो हमें ये पता चला कि हमारे पास टोटल जो वैल्यूज आई हैं वो आई हैं 7, 15, 12, 5, 13 + 8 हमने एज को लास्ट में लिख लिया, एज हमने दिया सेंटर में था लेकिन हमने उसको लास्ट में लिख लिया। अब आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आता है, हाँ जी, और उन्होंने एक बात और आपसे कही कि इसमें आपको उन्होंने मीन दे दिया, मीन उन्होंने दे दिया आपको कि इन सारे नंबर्स का मीन है, इन सब के साथ एच मिला के इनका मीन है 10 सेंटीमीटर। अच्छा, अब हमारे पास अननोन क्या है, अननोन है एच। अच्छा जी, अब ये एच जो वैल्यू है इसको हमने फाइंड करना है। हम इन सब वैल्यूज को ऐड अप करते हैं, ऐड करने के बाद हमने देखा कि हमारे पास ये वैल्यूज हैं 6। अब ये 6 वैल्यूज जो थी इनको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी 10 × 6 एंड ये सब ऐड करने के बाद 52 प्लस 8 रह गया। यहाँ पे इसको एज एन इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे, 52 को हमने 60 से माइनस करना है जाके और हमारे पास 8 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। और 8 जो है, जो उन्होंने कहा है आपको क्वेश्चन में कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 8, तो एज की वैल्यू हमारे पास आ गई 8 सेंटीमीटर, द वैल्यू ऑफ एज इज 8 सेंटीमीटर। ओके, अच्छा जी, अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास द मीन ऑफ द 5 बॉयज इज 62। अब उन्होंने आपको ये कहा कि आपने एक फार्मूला अप्लाई करना है मीन, उसके बाद उन्होंने आपको मीन दे दिया। अगर मीन दिया है तो मीन के नीचे आप मीन को लिखेंगे और 5 बॉयज का मीन उन्होंने आपको दे दिया, इसका यानी कि एन आपके पास 5 है, 5 इज मल्टीप्लाइंग विद 62 तो आपके पास आ गया 310। अब समीशन एक्स आ गया आपके पास 5 वैल्यूज का सम जो है। अब आपको उन्होंने एक्चुअली कहा है द मीन मास ऑफ द रिमेनिंग 4 बॉयज कम बिकम 64, फाइंड द मास ऑफ द बॉय दैट हैज बीन एक्सक्लूडेड। उन्होंने कहा कि इनमें से ये अब आपके पास एक्चुअली आया है 5 बॉयज का वेट, ये वेट आ गया 5 बॉयज का 310 kg, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर हम एक बच्चे को निकाल देते हैं तो हमारे पास जो मीन आता है वो आता है 64। अब अगर हम 5 में से 1 स्टूडेंट को हम एक्सक्लूड कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि 4 रह गए। अब उनका मीन सम कितना आता है, 4 बच्चों का सम कितना आता है और उसका मीन उन्होंने दिया है 64। 64 को 4 से मल्टीप्लाई किया 256 आया। अब हमारे पास 5 बच्चों का सम जो आया था वेट का वो आया था 310 और 4 स्टूडेंट्स का आया 256। अब हम क्या करेंगे कि हम एक जो बच्चा उन्होंने कहा था एक्सक्लूड कर रहे हैं उसका वेट उन्होंने हमें फाइंड करने को कहा है, तो वो इजीली यहाँ 5 बच्चों के सम में से 4 बच्चों का सम को माइनस करेंगे तो जो एक बच्चा एक्सक्लूड किया था उसका वेट आ जाता है और वो होगा 54 kg। यहाँ से मिस हो गए हैं, आप उसमें प्लीज ऐड कर लीजिएगा, 54 kg इज द सम वेट ऑफ द एक्सक्लूडेड स्टूडेंट, वो जो एक्सक्लूड किया गया है बॉय उसका वेट है 54 kg। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में द मीन ऑफ द 8 नंबर इज 12। अब 8 नंबर्स का मीन 12 है, ठीक है, नंबर्स 8 है उनका मीन 12 है, उसका हमने सम फाइंड करना है, समीशन एक्स फाइंड करना है, 96 आ जाता है। एक तो हमारा पार्ट यहाँ सॉल्व हो गया, उन्होंने कहा था द सम ऑफ द 8 नंबर इज फाइंड करें, 96 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने कहा कि 5 ऑफ द नंबर्स आर ये 6, 8, 5, 10 and 28, द रिमेनिंग 3 नंबर्स आर ईच इक्वल टू k, फाइंड द नंबर 1 में सम ऑफ द 8 नंबर्स, ये सम ऑफ द 8 नंबर हमने फाइंड कर लिया, नंबर 1 हमारा सॉल्व हो गया। अब नंबर 2 के लिए आपके पास उन्होंने क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k,
अब k की वैल्यू जो आपने फाइंड करनी है, अगेन यू हैव टू राइट हियर द फॉर्मूला समीशन x इज इक्वल टू x बार इज इक्वल टू समीशन x ओवर n। अब समीशन x हमारे पास क्या है, वो है 6, 8, 5, 10, 28 एंड थ्री नंबर्स हैं k वैल्यू के, तो k इज मल्टीप्लाइंग विद 3, 3k हो जाएगा। ओके इन सबको ऐड किया 57 हो गया, और हमें पता था 12 जो उनका वो था 12 नंबर्स का जो हमारे पास मीन आया था, द सम ऑफ द 8 नंबर इज 96 आया था, तो और हमारा मीन जो था वो 12 था, तो हम इस मीन 12 को लिखते हैं यहाँ पे, और 8 नंबर्स के साथ 96 आ गया हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे 8 नंबर्स हैं, 8 के साथ हमारे पास 96 आ गया सम इनका। अब उसको आपने 57 माइनस करना है, तो 3k की एक्चुअली हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, k इज इक्वल टू 13, तो 13 जो है ये 3 टाइम हमारे पास इसमें आएगा, k की वैल्यू 13, द वैल्यू ऑफ k उन्होंने हमें फाइंड करने को कहा था, हमने k इज इक्वल टू 13 फाइंड कर लिया। ओके आई थिंक यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल द लेक्चर, अगर किसी को नहीं समझ आया होगा तो इसको रिपीट करके सुनिएगा, और इसको गौर से अपनी प्रैक्टिस कॉपीज पे सॉल्व करिएगा। और एक बात फिर मैं आपको कहती हूँ कि सिर्फ जो आपको हम होमवर्क देते हैं आपने वो सिर्फ सबमिट कराना है, जो क्लास वर्क आपको दिया जा रहा है वो यू हैव टू नोट डाउन इट एट योर सीवक कॉपी नीटली बेटा। ये इंशाल्लाह जब हम मिलेंगे तो इसको चेक करेंगे, एंड होमवर्क विल बी सबमिटेड एट एक्स्ट्रा शीट, और उनको आपने नथी करके अपने बंच के साथ, वर्कशीट के बंच के साथ सबमिट कराना है। ओके और ये जो होम क्लास वर्क आपको जा रहा है ये आपका, जिन बच्चों ने अभी 17 चैप्टर स्टार्ट नहीं किया था ये सब उनके लिए है। ओके यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल द लेक्चर एंड स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे सेफ। ओके अल्लाह हाफिज़।